वाहे गुरु दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों, इस संसार दे अंदर बहुत वड्डे दानी पुरुष होए जिन्होंने आके संसार दे विच सोना चांदी हीरे मोती दान किते, पर अपने ही पुत्रां नूं कुर्बान करके सरवंस दानी कहाउण वाले गुरु कलगीधर पातशाह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश पावन फतेह बड़े अदब सत्कार भावना विच भिज के जिन्हें भी माई भाई गुरु के प्यार वाले गुरु चरणा च जुड़ बैठे हो फतेह का जवाब फतेह विच देना जियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी वीर जी पासों दिवाली दे बारे कुछ विचार सरवण कर रहे सी, उस तो पहला गुरु के कीर्तनी भी सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे ओढ़ीना, ते मैं बेनती करना चाहना जिस दे अंदर सच दा दीवा जग पिया, अंदर दा दीवा की है, जदों मनुख नूं इस गल दा ज्ञान हो जावे ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहें पे, जिस संसार दे नाल तू मोह पा के बैठा ए सदीवी नहीं है। जे संसार विच कुछ सदीवी है तां ओ गुरु दा प्यार है। अगर संसार दे विच कुछ सच है तां ओ परमेश्वर दा प्यार है। फिर ये जड़ा शरीर है, ये परिवार है, धियां पुत दुनिया दियां वड्याइयां, दुनिया दे विच साडा रहन सहन, दुनिया विच साडी वाह वाह हो जावे, इहदा कोई बहुता मुल नहीं रह जांदा। मैं थोड़ा जिहा हट के, क्योंकि अज दा दिन है, मेरे तो बाद भी प्रचारक आने हैं, उन्होंने भी दिवाली ते बोलना, फिर उही गल्लां रिपीट हुंदियां रहिंदियां ने। थोड़ा जिहा आपां जरूरी नहीं कि अज दा जो दिन है ते उसे ते आपां विचार करिए। जदों सच दा दीवा अंदर जग पवे तां मनुखी मन की अवस्था की हुंदी है, बड़े ध्यान नाल सुनना। 1647 दे विच जून का महीना सडौरे नगर दे विच एक गुलाम शाह सैयद रहिंदा है, उहदे घर दे विच 1647 नूं एक पुत्र का जन्म होया जिहदा नाम रखा गया बदरुद्दीन। मुढ़ तो ही बड़ा हर वेले एक धुन दे विच जुड़े रहना, घट बोलना, ते लोकां ने उन्हूं बुद्धू बुद्धू कहना शुरू कर दिता। ज्यों ज्यों वड्डा होया रब्बी पुरखां की संगत कीती ते लोकां ने बुद्धू जिन्हों कहिंदे सी उहदे अगे पीर ला दिता, पीर बुद्धू शाह। ए पीर बुद्धू शाह दुनिया दे विच जिवें असी अजोके समय दे विच हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख जैनियां की लड़ाई, दूजा तीजा कलेश पिया होया, ए इस संग दिली तो किते उच्चा उठ गया। धन गुरु कलगीधर पातशाह दे दीदार किते सी,
गुरु कलगी धर पातशाह दे चरणां दा भौरा बन गया। फिर इसने कई बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे दीदार करने 700-500 दे करीब जदों मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी फौजां विचों पठान कढ दित्ते ते हुक्म कर दिता इन्हां नूं कोई नौकरी नहीं देवेगा, इहदे कोल आके रोण लगे दुहाई देण लगे, असीं फौजी हाँ हलवाई साढ़े कोल होनी कोई नहीं, साडा कुछ करो। पर एक गल दस दिंदे आ भी औरंगजेब बादशाह दा हुक्म है कि इस 500 पठान नूं दुनिया विच कोई भी जिहड़ी है वह अपने कोल पनाह नहीं देवेगा, नौकरी नहीं देवेगा, जो भी नौकरी देवेगा वह औरंगजेब का पक्का वैरी होवेगा। हुण दसो असी कित्थे जाइए। पीर बदरुद्दीन जिन्हों पीर बुद्धू शाह कहा जाता है उस वेले कहन लगा एक थां ऐसी है, देखो दीवे की गल चलती पई है, जिथे दीवा जल पिया उन्हां दा जीवन किहो जिहा सी। कहिंदे एक थां ऐसी संसार विच है जिहड़ी औरंगजेब की परवाह नहीं करती। औरंगजेब की तां गल की है, उहदे बाबे दादियां की भी परवाह नहीं करती है। कहिंदे उह किहड़ी थां है, कहिंदे कदी हिंदुस्तान के उत्ते बावर चढ़ के आया, बावर के घोड़े की लगाम फर के उन्होंने जावर कहन वाला दुनिया विचों इको मर्द सूरमा होया वह गुरु नानक पातशाह जी हो। कदी हिमायूं बादशाह नूं उहदे मुंह के सामने कह दिता सी भी साढ़े फकीरां ते तलवार चलांदा पिया, शेर शाह सूरी नाल लड़दे तेरी तलवार कित्थे सी? गुरु अंगद पातशाह चार चार जंगां लड़न वाले मुगलां दे नाल मीरी पीरी दे मालक, और जदों कह दिता सी काजी ने भी साडा बाज वापस कर देवो ते गुरु हरि गोबिंद पातशाह ने आख्या सी उस हंकारी काजी नूं जाके कह देवो तिनका बाज नहीं हम देना, ताज बाज सब तिन ते लेना। तुसीं बाज मोड़न दीआं गल्लां करदे हो, जे गल हंकार दी है, जे गल अणख ते आबरू दी है, असी तुहाडा बाज नहीं असी तुहाडा ताज भी खो लवांगे, कोई ऐसी गल नहीं है। जहांगीर बादशाह दे सामने उहदियां अखां च अखां पा के गल करन वाला चार चार जंगा लड़न वाला जे कोई दुनिया विच सी तां उह छेवें पातशाह जी होए ने। पीर बुद्धू शाह कहन लगे उसे ही छेवें पातशाह दा पोतरा धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी एक ऐसा घर जिहड़ा कदी किसी का खौफ किसी का डर नहीं मनता, जिथे तो रोज यही पढ़ाया जाता बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तैं ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। भी जिथे ना कोई खौफ है ना जिथे कोई डर है, आओ मैं तुम उस घर में लैके जावा। साड़ी तो बदकिस्मती है और 500-500 पठान पक्के कट्टर मुसलमान गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणा च आके सिजदा करते, अज सिख जाके कबरां ते सिजदे करते पे ने। इन्ना वड्डी लंत वाली गल की हो सकती है? और कदी पठान लोग आके कलगीधर पातशाह के चरणा विच शरण लिया करते, दातिया तेरे तो बिना सानू शर्म देने वाला कोई नहीं। पर अज बदकिस्मती है उस गुरु गोबिंद सिंह दा सिख अज रात नू भी जाके मड़ियां ते जाके वह बालेगा दीवे मैनू माफ कर देना। ये सिखी नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह दा सिद्धांत नहीं है। खैर 500 जिहड़े सी पठान उन्हां नू भर्ती करा दिता, बाद विच पहाड़ी राजियां दे नाल मिलके उन्होंने दगा कमाई, भंगाणी का युद्ध होया। उस युद्ध विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दी भूआ दे लड़के भूआ दे पुत भरा जिहनूं असीं ठेठ पंजाबी विच कह दिंदे आ संगो शाह, जीतमल, गुलाब राय, गंगा राम, माड़ी चंद, मैनूं माफ कर देना मैं किसी ने भी पुछ लवां ना पंज पांडवां दे नाम दस देवो ते तुसीं भीम भी दस देना, तुसीं अर्जुन भी दस देना, ते जे मैं किसी बजुर्ग नूं भी पुछ लिया ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे पंज भरा बीबी बीरो दे पुत्र और पंगाणी दे युद्ध विच शहादत पाउण वाले
गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी फौजां दा पहला कमांडर इन चीफ जिहड़ा सेनापति बनिया वह बाबा संगो शाह बनिया जो कि बीबी बीरो दा पुत्तर सी। जे मैं आख देवां कि पंज पांडवां दे नाल लै दो तुसीं दस देना मैनूं भरोसा है, ते जे मैं कह दिता बीबी बीरो दे पंज पुत्तरां दे नाम दस देवो जिहड़े योधे शहीद हुंदे आ गुरु दे लई और गुरु जी दे भूआ दे पुत्तर ने भरा लगदे ने, ते मैनूं माफ करना मुश्किल है कोई एक अद्धा परसेंट दस सकेगा। संगो शाह, जीतमल, गुलाब राय, गंगा राम, माड़ी चंद, यह पांच पुत्र ने बीबी बीरो दे यह भी उस जंग विच लड़दे पए ने। आखिर जदों पठान धोखा दे गए काले खान नूं छड़ के, बाकी भूरे खान, निजावत खान, हयात खान यह सारे दे सारे पखंडी भज के पहाड़ी राजयां दे नाल रल गए। जिन्हां दे अंदर दीवा जलिया हुंदा उन्हां दी सोच कैसी है। पीर बुद्धू शाह नूं पता लगा, पीर साईं तेरे 500 पठान दगा दे गए ने, कहिंदा इह तां बहुत माड़ी गल है, 700 मरीद ते अपने पुत्रां ते भरावां नूं नाल लैके उस पंगाणी दे युद्ध विच पहुंच गया। जदों युद्ध दे विच पहुंचिया ते मैं हथ जोड़ के बेनती करना चाहुंना, साध संगत जी जिहदे अंदर दा दीवा जग गया उह गुरु दे लई किवें कुरबानियां दिंदा। उस पंगाणी दे युद्ध विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जित हुई ते सिखां ने जकारे छड़े, कहिंदे कलगीधर पातशाह भी कमाल हो गई, तुहाडी जित हो गई। ते कलगीधर पातशाह कहण लगे नहीं, इह गल भुल के ना आखियो कि मेरी जित हुई है, भई जीत मेरी कृपा काल केरी, जित भावें मेरी हुई है पर कृपा उस मालक की हुई है। ध्यान देना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दी पंगाणी दे युद्ध दे विच जदों उस वेले जंग लड़ी जांदी है, ते ख्याल करना साध संगत जी बड़े ध्यान नाल सुनना, पीर बुद्धू शाह दे दो पुत्र, एक दा नाम है मुहम्मद शाह ते एक दा नाम है अशरफ शाह। पीर बुद्धू शाह दे दो पुत्र उस जंग विच शहीद हुंदे ने, ते पीर बुद्धू शाह दा इक भरा जिहदा नाम सी भूरे शाह, गुरु दे सिखा जिहदे अंदर दीवा जगिया हुण उहदी सोच किहो जी है, थोड़े जिहा मैं ध्यान तुहाडा खिंचना चाहुंना। पीर बुद्धू शाह दे दो पुत्र मुहम्मद शाह अशरफ शाह शहीद हुंदे ने, इक भरा भूरे शाह उहदे विच शहीद हो जांदा। अज जंग खत्म होई, कल सारे शरीरां नूं संस्कारिया गया, दफनाया गया। उस तो अगले दिन पीर बुद्धू शाह कलगीधर पातशाह कोल इजाजत लैण वास्ते आए, सतगुरु जी जंग समाप्त हो गई, तुहाडी फतेह हो गई, हुण इस नाचीज नूं जिहड़ा तुहाडे कोल इजाजत लैण वास्ते आया आग्या देवो, मैं अपने पीरखाने अपने कोल अपने घर विच जावां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहण लगे पीर बुद्धू शाह भावें जित ते हार उस अकाल पुरख के हाथ विच है, पर तुसी साडा बहुत वड्डा साथ दिता, तेरे पुत्र भी दो शहीद हो गए, तेरा भरा भी शहीद हो गया। हुण मैं एक बेनती करां, देखो अपने भरावां दे शरीर नूं धरती विच गड़ के अपने पुत्रां दीआं लाशां नूं सपुरदे खाक करके अजे हत्थां दी मिट्टी भी नहीं झाड़ी है, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल इजाजत लैण वास्ते आया, दाता जी इजाजत बख्शो, जंग खत्म हो गई है। ते कलगीधर पातशाह कहण लगे पीर बुद्धू शाह तू एड्डी वड्डी कुरबानी कीती है, तू मेरे कोल जो मंगेगा उही तैनू दे देवांगे, तू जो कुछ तैनू चाहीदा उही कुछ तैनू दे देवांगे। पीर बुद्धू शाह कहण लगे दातिया मंग मन विच बहुत हुंदी सी, पर जदों दी तेरे चरनी लग गया सारिया मंगा खत्म हो गई। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, तू झोली विच नाम की दात की पा दिती, सारिया भुखा खत्म हो गई। गुरु कलगीधर पातशाह कहते लियाओ दस्तार, अद्धी दस्तार महंत किरपाल चंद उदासी नूं दिती है, अद्धी दस्तार पीर बुद्धू शाह नूं दित्ती है, पूरी दस्तार दा हकदार नहीं बनिया।
दो पुत्र शहीद हो गए, भरा शहीद हो गया, फिर भी पूरी दस्तार नहीं, अद्धी दस्तार मिली है। ते जदों लैके तुरन लगा मेरे कलगीधर पातशाह जी केसां च कंघा करदे पए सी, ते पीर बुद्धू शाह ने आख्या दातिया जे रहमत दे घर विच आयो तां केसां समेत कंघा मैनू दे देवो। कलगीधर पातशाह कहन लगे पीर बुद्धू शाह बड़ी वड्डी दात मंग ली है, एक गल याद रखी एक केस साडे है, तू इहदी संभाल किवें करेगा। कहिंदा दातिओ टुकड़े टुकड़े भी शरीर दे हो जाणगे मैं कबूल कर लवांगा, पर तुहाडे केसां नूं अपने सीने नाल लगा के रखांगा। ओ कंगा जिहदे विच केस थोड़े जे अजे तक भी जिहड़े महाराज दे विच जो शोभा दे रहे सी, हुण ख्याल करना पीर बुद्धू शाह एक कंगा लैके ते कुछ ओहदे विच केस लैके जदों सडौरे पहुंचिया ते घरवाली बीबी नसीरा, उस नसीरा ने इको सवाल किया सी, पीर साई सिर दिया साइया 700 मुरीदां विच पता लगा बेंतां दियां शहीदां हो गईयां, पता लगा कि दो पुत्र भी शहीद हो गए, मेरे जिगड़े दे टुकड़े भी शहीद हो गए, यह दस कि मेरे सतगुरु ने साडे लई की भेजिया है। ख्याल करना की भेजिया है, की दिता है। पीर बुद्धू शाह ने आए हाय महाराज जी का कंघा ते ओ केस कढ़ के जदों अगे रखे ते बीबी नसीरा ने उन्हूं चुमिया, इंज अखां दे उत्ते मलिया, ओदी कदम बोशी कीती ते नाल ए भी कह दिता सिर दिया सईआं ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिशी हुई दात है, इनू असी अपने पावन कुरान मजीद दे नाल रखना है। जिथे सिजदा सी कुरान मजीद नू करदे आ उथे सिजदा गुरु कलगीधर पातशाह दे पावन कंगे नू भी करना है। ते जदों किसी ने आख्या सी पीर बुद्धू शाह दो पुत्र शहीद हो गए, भरा शहीद हो गया, ते बदले विच इक कंगा ते दो केस, ते पीर बुद्धू शाह दा जवाब की सी, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुख सारमा, हर दो आलम कीमते जकतार मुए यारमा। कहिंदे अगर दो जहानां नूं भी कठिया कर लवां, सारी दुनिया नूं भी कठिया कर लवां, ते कलगीधर पातशाह दे इक केस दे बराबर भी नहीं हो सकदे है जिन्हां दा प्यार सी। हुण उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज के केसां नूं कंगे नूं संभाल के रखिया, मौके दे जिन्ने भी लोग सी कलगीधर पातशाह जी पुत्रां दी शहादत ते चले जांदे ने, फिर समा आ जांदा मार्च 19 मार्च 1704 उस्मान खान जेड़ा अपनी फौज लैके आंदा, कहिंदा इस पीर बुद्धू शाह ने जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा साथ दिता सी, उसने पीर बुद्धू शाह नूं धरती विच गड़ के पहला सीस दे विच मुंगले मार मार के लहू लुहान कर दिता, ते बाद शरीर दे विच टोटे टोटे करके उस पीर बुद्धू शाह नूं जेड़ा शहादत दा जाम पिला दिता। ओ पीर बुद्धू शाह जिसने अपने कलगीधर पातशाह दे केसां नूं कंगे नूं जान तो वध संभाल के रखिया गया सी, सारा परिवार खत्म कर दिता, पर परिवार दे किसे ना किसे जी ने कलगीधर पातशाह दे केसां नूं संभाल के रखिया सी। ते तुहानूं पता कदी आनंदपुर साहब जावो केसगढ़ साहब दे उत्ते अज भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन केस ते कंगा सुशोभित है। यह थोड़े समय पहला 2015 विच ही आए हैं, पहला नाभा बठिंडा दे विच इस पासे सन। बड़ा लंबा मुकदमा चलिया, मुकदमा जितन तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं गुरु के केस ते कंगा मिलिया, ते 2015 तो केसगढ़ साहब दे अंदर गुरु के केस ते कंगा तुसी जाके देखो अखां चो पानी इस गल दा आ जांदा कि उन्हां केसां दे विच एक भी चिट्टा तौला नहीं है। कलगीधर पातशाह दे केस ध्यान नाल देखना, उन्हां केसां विचों एक भी तौला चिट्टा नहीं है। ते मन विच रोस आ जांदा मेरे मना देख
और गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी चढ़दी उम्र जो एक तौला भी उन्होंने शीस के बिच नहीं आया सी ते उन्हां दे पुत्रां नूं शहीद किया गया। अज निक्कियां निक्कियां गल्लां च डोलन वालिया गुरु दिया सिखा देख तेरा गुरु किन्ना महान सी ते उहदे श्रद्धालु सिख किन्ने महान सी जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बख्शिश कीते हुए केसां नूं अपनी जान दे नाल वी बद के संभाल के रखिया है। साध संगत जी इह केस इह दाड़ा इह दस्तार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानूं बख्शिश कीती है ते मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना भाई इहदी संभाल करो इधर उधर जिहड़ा है केसां दी बेअदबी ना होवे दस्तार दी बेअदबी ना होवे गुरु नानक पातशाह जी कृपा करन। आप समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद सकत्तर साहब जी स्टेज सकत्तर साहब जी उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु के वजीर गुरु के सेवादार भाई हरदीप सिंह जी इत्थों दे कीर्तनी जथे उन्हां दा भी धन्यवाद विशेष धन्यवाद कार सेवा वाले महापुरखां दा जिहड़े बड़े प्यार दे नाल दास नूं निवाजदे ने पुल चुक दी खिमा फतेह दी सांझ करना जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।